गाइस, अगर सच में आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हो सच में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आज के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ऑनलाइन से कैसे पैसे कमाना है और क्या चीज आपको समझने की जरूरत है। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको समझा दूंगा कि आपको ऑनलाइन में कैसे पैसे कमाने हैं और ऑनलाइन में क्या चीजें जरूरी हैं और कहां से पैसा आता है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत कम टाइम में, शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन में पैसा कहां से आता है और आप कैसे अर्न कर सकते हो। सो लेट्स गो। माय नेम इज टियन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी। एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट बनाने में। तो मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया कि आपको ये तीन चीज समझनी है कि ऑनलाइन में होता क्या है और ऑनलाइन से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन में तीन बेसिक बुनियाद है जहां से लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, फिजिकल प्रोडक्ट लोग सेल करते हैं। सेकंड, डिजिटल प्रोडक्ट। और थर्ड, सर्विस बेस्ड। देखो, आप कुछ भी उठा के देख लो, ड्रॉप शिपिंग में जाओगे तो लोग वहां क्या सेल कर रहे हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स। अब आप एफिलिएट में जाओगे तो वहां लोग क्या सेल कर रहे हैं? सबसे ज्यादा एफिलिएट में अगर कुछ सेल होता है तो वो होता है डिजिटल प्रोडक्ट। थर्ड मैंने क्या बोला? सर्विस। सर्विस लोग कैसे दे रहे हैं? कुछ भी टाइप की सर्विस, फ्रीलांसिंग, या कुछ लोगों ने एजेंसी खोल रखी है, या आप भी लोगों की हेल्प करते हो, कोर्सेज सेल करते हो, तो ये क्या है? ये सब सर्विस में आता है। और सबसे ज्यादा जो अर्निंग है ऑनलाइन में वो सर्विस में है, सबसे तेज और सबसे ज्यादा सर्विस में है। अब आप इसको एफिलिएट के थ्रू करो या खुद की अपनी कोई सर्विस लॉन्च करो। यस गाइज, ये तीन ही बुनियाद है ऑनलाइन में अर्निंग के लिए। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप किस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो। मैं तीनों का थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम आएगी और आप कैसे इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। फर्स्ट, जो मैंने कहा, ड्रॉप शिपिंग में जो फिजिकल प्रोडक्ट सेल होते हैं वहां आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और कम पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा। इट्स मीन की 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000 या उससे भी ज्यादा डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोलने में। बिकॉज यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, आपको हर कुछ करना रहता है, प्रोडक्ट को तैयार करने से लेके प्रोडक्ट को डिलीवरी करने तक। तैयार करने मतलब कहीं से लेके आया, उसका पैकेजिंग एंड उसको डिलीवर करने तक, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप अली एक्सप्रेस का यूज करके डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा देते हो। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग खुद प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं एंड देन अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। दूसरा मैंने कहा आपको डिजिटल प्रोडक्ट, इट्स मीन की एफिलिएट मार्केटिंग, ऑलमोस्ट इसमें एफिलिएट मार्केटिंग पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप दूसरे के प्रोडक्ट को उठाते हो, कस्टमर तक पहुंचाते हो, मिडिल मैन आप रहते हो और जो कमीशन रहता है वो आप रख लेते हो। सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा फास्ट, $100 के अंदर अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे एक वीडियो है, उस पर क्लिक करके जरूर देखो उस वीडियो को, अगर आप सच में एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हो तो। और मुझसे कॉन्टेक्ट करो ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कितना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में, बिकॉज मैं भी एक एफिलिएट मार्केटर हूं। थर्ड जो चीज मैंने आपको समझाई, दैट इज कॉल्ड सर्विस। जब आप इन दोनों चीजों में कहीं पर भी एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप अपना पेड कोर्स लॉन्च कर सकते हो और उसको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कीमत पे सेल करके अपनी जो रफ्तार है वो बहुत तेज कर सकते हो। क्योंकि यहां पर जितना भी पैसा आएगा वो आपकी जेब में जाएगा, यहाँ किसी भी पार्टी के पास नहीं जाएगा, किसी और कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये सीधा आपकी जेब में आएगा। तो ये जो तीन चीजें हैं बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और ये जो लास्ट मैंने कहा कि सर्विस बेस्ड, तो यहाँ फ्रीलांसिंग साइट्स भी होती हैं जहां आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास स्किल है तो आप वहां से बहुत पैसे अर्न कर सकते हो, बट आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप अपने ब्रांड पे काम करो, अपना ब्रांड बनाओ, देन सर्विस देना स्टार्ट करो। और ये तीन ही चीजें हैं, आप पूरा अपना दिमाग घुमा के देख लो, मैं आपको चैलेंज करता हूं ऑनलाइन में, आप अपना पूरा दिमाग घुमा के देख लो, ये तीन ही चीजें चल रही है ऑनलाइन में और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि लोग कहां से अर्निंग कर रहे हैं और आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। आपके पास तीन रास्ते हैं, इसमें से एक चुनना है आपको और एक के पीछे लग जाना है, बस तीन ही रास्ते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन तो मैं इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करना। सी यू देयर, बाय बाय, जय हिंद।